हाय व्यूअर्स, दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एजेस ब्रांड का मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये एजेस ब्रांड का जो मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसमें आपको 82 कीज मिलता है और ये काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन का है और इसमें लाइट अप भी होता है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें लाइट देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं मैकेनिकल कीबोर्ड होता है क्या है। नॉर्मल हम जो हमारा कंप्यूटर हुआ या लैपटॉप वगैरह में जो कीपैड यूज करते हैं या कीबोर्ड यूज करते हैं, वो रबर टाइप का रहता है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप ज्यादा गेम खेलते हैं या रफली उसे यूज करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है, या पर्टिकुलर एक दो की जो है वो खराब हो जाता है, तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, आपको नया कीबोर्ड लेना पड़ता है। बट मैकेनिकल कीबोर्ड जो है उसको खास तरह डिजाइन किया गया है, उसका वेट जो रहता है वो मिनिमम 500 ग्राम के ऊपर रहता है और इसका हर एक की को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसमें गेम खेलते हैं, जितना भी रफली इसे यूज करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अगर कभी भी कोई भी की खराब हो जाता है तो पर्टिकुलर उसको आप उठा सकते हैं और नया की जो है वो उस पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी टूल्स वगैरह दिया गया है। तो मैं ये वीडियो में डिटेल्स दिखाया हूँ। और ये जो कीबोर्ड है इसमें लाइट रन भी होता है, मीन्स इसमें 7-8 टाइप का रनिंग लाइट दिया गया है। आप आपका अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें गेम खेलते हैं तो आपको काफी मजा आने वाला है और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी एनहांस होने वाला है। तो ये आपको banggood.com में मिल जाता है। मैं नीचे ऑफर कोड दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये है हमारा कुरियर बॉक्स पैक, इसको हम ओपन कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजेस ब्रांड का कीबोर्ड है और यहाँ पे गीक कुछ लिखा गया है और यह है उसका बैक साइड और यहाँ पे भी कुछ चाइनीज में डिटेल्स लिखा गया है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा कीबोर्ड, उसके साथ बॉक्स में यहाँ पे मिनी यूएसपी 2 USB का एक केबल मिलता है। तो नेक्स्ट बॉक्स में आपको ये कीबोर्ड का की को डिटैच करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे उसका यूजर मैनुअल मिलता है जो कि चाइनीज एंड इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पे उसका एक वारंटी कार्ड मिलता है जो कि फुली चाइनीज में लिखा गया है और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश मिलता है आपको कीबोर्ड को साफ करने के लिए। तो अभी हम ये सबको साइड कर देते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं हमारा कीबोर्ड। तो ये है हमारा कीबोर्ड। तो ये काफी कॉम्पैक्ट साइज का है और यहाँ पे देख सकते हैं की भी काफी स्मूथ है। तो पहले हम इसका वेट मेजर करते हैं। तो ये है हमारा वेट स्केल, तो हम अभी इसको 0 कर दिए हैं, तो इसका वेट जो है मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 574 ग्राम का है। तो यहाँ से आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं, यहाँ पे काफी गैप है और ये एल्यूमिनियम में बना है जो उसका बेस है और यहाँ पे ये प्लास्टिक को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे रबर दिया गया है, जैसे कि ये अगर आप कोई भी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो ये स्लिप नहीं होगा और यहाँ पे उसका स्टैंड दिया गया है और यहाँ पे भी रबर दिया गया है, मीन्स अगर ये स्टैंड को आप ओपन करते हैं तो भी आप ऐसे रख सकते हैं और यहाँ पे छोटा सा पुश करते हैं तो भी ये स्लिप नहीं होता और यहाँ पे उसका यूएसबी केबल दिया गया है। आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिनी यूएसबी का प्रोविजन दिया गया है और यहां से अगर आप इसका फिनिशिंग देखते हैं तो काफी अच्छा है और यहां से आप हर एक की को उठा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं की को उठा के आपको दिखाता हूं। तो ऐसे आप इसका की को उठा सकते हैं, अगर की डैमेज हो गया तो आप यहाँ पे नया की भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं। तो ये ऐसे रहता है और यहाँ पे एक एलईडी लाइट रहता है, तो ये की अगर खराब हो जाता है या
कुछ प्रॉब्लम आता है की में, तो आप ऐसे उसको उठा भी सकते हैं, उसके बाद ऐसे नॉर्मल पुश कर देंगे तो ये की अपने जगह में फिक्स हो जाता है। तो हर एक की को आप इसका मदद से उसे उठा सकते हैं, जस्ट इसको ऐसे पुश कर देना है, उसके बाद यहां से अगर आप इसको खींच देते हैं तो वो की निकल जाता है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, फिर आप ऐसे इसको निकाल के इसमें लगा सकते हैं, जस्ट ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये की जो है वो लग जाता है। और यहाँ पे जो ब्रश दिया गया है, आप इसके बीच में अगर कचरा फंस जाता है तो आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये कीबोर्ड को अभी हम यहाँ पे हमारा लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और हम एक गेम खेलेंगे और चेक करेंगे इसमें गेम खेलने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पे जो USB 2 मिनी USB का केबल मिला है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे ये जो लाइट अप होता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो फंक्शन की है इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पे F8 को प्रेस करते हैं, तो देखिए अभी लाइट जो है ये अलग चेंज हो गया। तो फिर से हम F8 प्रेस करते हैं तो ये लाइट जो है ये ऑफ हो गया। आई फंक्शन एंड F8, तो ये लाइट एक अलग टाइप का हो गया। तो देखिए अभी लाइट फिर से अलग टाइप का हो गया, तो ये एक टाइप का आ गया, तो ये एकदम रेड हो गया। तो ये लाइट जो है ये रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये एकदम रेड हो गया। तो यहाँ पे ये एक मोड है, जो की आप प्रेस करेंगे वो की के ऊपर ये लाइट अप होता है। तो कोई भी की आप प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर ये लाइट अप होता है। तो देखिए अभी लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, कोई भी की अगर आप प्रेस करते हैं तो लाइट ऐसे हो जाता है। तो देखिए अभी कोई भी लाइन में कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो लाइन का लाइट अप होता है। तो ये लाइट जो है ये ऑटोमेटिक ऐसे रनिंग होता है। तो आप कोई भी की प्रेस करो, लाइट ऐसे ऑटोमेटिक रनिंग होता है। तो यहाँ पे काफी सारे फंक्शन भी दिया गया है, जैसे फंक्शन की प्रेस करके आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे म्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये म्यूट हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन की एंड ये अनम्यूट हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, जैसे फंक्शन एंड F2, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, होम कर सकते हैं और यहाँ से ये लाइट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिक की आपको नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बाकी सब कीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एस्पर्ट 8 जो गेम है इसको खेल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये कीबोर्ड का आप कितना भी रफली यूज करेंगे गेम में तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना रफली इसको खेल रहा हूँ, फिर भी ये कीबोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कोई भी गेम वगैरह यहाँ से ये कीबोर्ड लगा के आपका लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप के थ्रू में आप इसमें खेल सकते हैं। और इसको आप एंड्रॉइड टीवी वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये एंड्रॉइड टीवी में भी कनेक्ट हो जाता है और वहां पे भी बिग स्क्रीन में भी आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये कीबोर्ड जो है ये लाइट अप होना चालू हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप इसका लाइट को चेंज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आप फंक्शन एंड F8 की को प्रेस करके आप इसमें लाइट चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे टीवी में भी ये ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई एक गेम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये गेम हम खेल के देखते हैं।
यहाँ पे मैं होम बटन प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये होम बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पे होम में आ गया। तो यहाँ पे हम दूसरा गेम खेलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी अस्पट एक गेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज, जैसे हम कीबोर्ड यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि कीबोर्ड में कौन सा की प्रेस करने से क्या चलेगा। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे भी काफी स्मूथली ये चल रहा है, और आप यहाँ पे ये की को आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आप की जो है उसको प्रेस करके रखा हूं, तो ऐसे आप एंड्रॉइड टीवी में कोई भी गेम वगैरह आराम से ये कीबोर्ड के थ्रू में खेल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।